नगरपालिका कर्मचारी महासंघ अंबाला कैंट की भूख हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। कल डायरेक्टर से बातचीत हुई जिसमें आश्वासन दिया गया कि 12 मांगों को मान लिया गया है, केवल सीएम के साइन होने बाकी हैं। कर्मचारियों का कहना है कि आश्वासन नहीं समाधान चाहिए, अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। सफाई कर्मियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, उनकी मांगे ठेका प्रथा समाप्त करना, दैनिक वेतन बेजोगी कर्मियों को पक्का करना। अंबाला कैंट में नगर परिषद में सफाई कर्मियों की भूख हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। बता दें कि पिछले काफी समय से सफाई कर्मचारी समय समय पर हड़ताल व प्रदर्शन करते रहे हैं, पर सरकार के साथ अभी तक उनकी सहमति नहीं बन पाई। भूख हड़ताल पर बैठे जिला प्रधान सुरेंद्र सिंह का कहना है कि कल डायरेक्टर से बातचीत हुई जिसमें आश्वासन दिया गया कि 12 मांगों को मान लिया गया है, केवल मुख्यमंत्री के साइन होने बाकी हैं। पर उनका कहना है कि हमें आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। इस मौके पर उन्होंने सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। इस 3 दिवसीय भूख हड़ताल के बाद 13, 14, 15 को बाजारों में प्रदर्शन करते हुए सरकार की पोल खोलने की बात कही। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती तो 28, 29 और 24 घंटे की भूख हड़ताल की जाएगी। अगर फिर भी सरकार मांगे नहीं मानती है तो 8 नवंबर को गृह मंत्री की कोठी का घेराव करने की चेतावनी दी। रजिंदर कुमार है, मैं जिला प्रधान हूं अंबाला का, और कल हमारी डायरेक्टर से बातचीत थी जिसमें उसने हमें आश्वासन दिया कि भाई आपकी 12 मांगे मान ली गई हैं और सिर्फ सीएम के साइन रह रहे हैं, उसके बाद लेटर जारी हो जाएंगे। लेकिन हम सरकार के इन बातों को नहीं मानते क्योंकि हमें आश्वासन नहीं समाधान चाहिए और हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। हमारी 3 दिवसीय 9 बजे से 5 बजे तक भूख हड़ताल है। 13, 14, 15 को हम तीन दिन बाजारों में प्रदर्शन करते हुए सरकार की पोल खोलेंगे और पंपलेट हमारे पास छपे हुए हैं, छुपवा लिए, वो हम बंदों को यहाँ के नागरिकों को देंगे पूरे हरियाणा में। और फिर भी सरकार अगर वहाँ से साइन नहीं करती फाइल पे तो हम 28, 29 को 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं चेतती तो हम 8 नवंबर को पूरा हरियाणा निकाय मंत्री की कोठी का घेराव करें।